नमस्कार, आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भूमिका सिंह बुंदेलखंड न्यूज की तरफ से आज आप सभी से यह अपील कर रही हूँ, जैसे कि हमारे लॉकडाउन का ये 9वां दिन है और हम सभी इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए, तो दोस्तों बचे हुए कुछ दिनों में हमें इस लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपने घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर से ज्यादा सेफ जगह हमारे लिए और कोई नहीं। और अगर आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस भीषण समस्या को अगर हम ख़त्म कर सकते हैं तो हमें मिलजुल कर इस लॉकडाउन को फॉलो करना होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सिर्फ हमारा देश ही नहीं, आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। तो आज हमारा यही फ़र्ज है कि हम इस लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाएं। ध्यान रखिए, हमारी छोटी सी गलती भी हम सबकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो मैं आप सबसे आशा रखती हूँ कि आप इस लॉकडाउन को सफल बनाएंगे। और इसके साथ ही, जैसे कि आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से एक बहुत छोटी सी अपील की है, 5 अप्रैल, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स, 5 अप्रैल को हम सभी को रात में 9 बजे सिर्फ 9 मिनट के लिए अपनी लाइट्स ऑफ करके अपने घर के बाहर आना है, या फिर अपनी बालकनी पर भी आ सकते हैं, और हमें एक दिया जलाना है। दिए की जगह आप कैंडल भी इनलाइटन कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये काम हम सभी को मिलकर एक ही टाइम पर करना है और प्रधानमंत्री जी की इस अपील को सफल बनाना है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सच्ची और सही खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल और बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल को देखें। धन्यवाद। Oh,